डोरेमोन कार्टून आप में से कितने लोग देखते हैं? मेरे हिसाब से लगभग सभी देखते होंगे या फिर कभी 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 ना कभी देखा होगा। आखिर बिना डोरेमोन के बचपन? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका द एक्सप्लेनर के एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बताएंगे आपको डोरेमोन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे मजा आया। तो चलिए शुरू करते हैं। डोरेमोन एक फैक्ट्री रिजेक्टेड टॉय है। जी हाँ, सही सुना आपने, इतने हाईटेक गैजेट्स कैरी करने वाला डोरेमोन फैक्ट्री रिजेक्टेड टॉय है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डोरेमोन फ्यूचर से आया हुआ रोबोट है, जिसे नोबिता की मदद के लिए नोबिता के परपोते सेवासी ने फ्यूचर से भेजा था। दरअसल सेवासी, जो नोबिता का परपोता रहता है, उसकी इतनी अच्छी जॉब नहीं रहती है कि वह बढ़िया रोबोट खरीद सके। इसलिए सेवासी ने नोबिता की रक्षा के लिए एक फैक्ट्री रिजेक्टेड रोबोट खरीदा, क्योंकि वह इतना ही खर्च उठाने में सक्षम था। डोरेमोन के कान थे। जी हाँ दोस्तों, डोरेमोन हमेशा से चूहों से नहीं डरता था। आप सभी को मालूम है कि डोरेमोन एक रोबोट बिल्ली है, इसलिए उसका चूहों से डरने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन डोरेमोन पहले चूहों से नहीं डरता था, लेकिन एक बार जब एक चूहे ने डोरेमोन का एक कान काट दिया, तब से डोरेमोन चूहों से डरने लगा। है ना अजीब बात, लेकिन यह एक फैक्ट है। डोरेमोन का ओरिजिनल कलर येलो है। दोस्तों, डोरामी की तरह डोरेमोन भी पीला यानी कि येलो कलर का था, लेकिन जब चूहे ने डोरेमोन के कान काटे तो उसके बाद डोरेमोन के रोने की वजह से उसका कलर नीला हो गया। थोड़ा इनलॉजिकल लगता है, बट कार्टून में लॉजिक हर जगह यूज नहीं हो सकता ना। क्या आपको मालूम है डोरामी डोरेमोन से ज्यादा ताकतवर है? दोस्तों, डोरामी को तो आप सभी जानते होंगे, यह डोरेमोन की छोटी बहन है। डोरामी डोरेमोन से 2 साल छोटी है, लेकिन डोरेमोन से अधिक एडवांस है। डोरामी 10,000 HP यानी कि हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस कर सकती है, जबकि डोरेमोन केवल 129.3 HP तक ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि डोरामी डोरेमोन से कितनी ज़्यादा एडवांस है। क्या आपको मालूम है डोरेमोन की उम्र 100 साल से भी अधिक है? जी हाँ दोस्तों, ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि डोरेमोन फ्यूचर से आया हुआ रोबोट है। लेकिन डोरेमोन का बर्थडे कब आता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। डोरेमोन का जन्म 3 सितंबर 2112 को हुआ था, यानी इस दिन डोरेमोन को मैन्युफैक्चर किया गया था। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जापान में स्थित डोरेमोन संग्रहालय में 2012 में डोरेमोन का 100वां जन्मदिन मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। और क्या आपको मालूम है डोरेमोन का मैजिक नंबर 1293 है? या आप कहोगे कि 1293 ऐसा क्या है इसमें कि जो ये लकी नंबर या मैजिक नंबर है? तो इसके पीछे एक फैक्ट है, और फैक्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, डोरेमोन का मैजिक नंबर 1293 है, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि दरअसल डोरेमोन 129.3 cm लंबा है, साथ ही डोरेमोन का वजन 129.3 kg है। डोरेमोन का सरकमफ्रेंस भी 129.3 cm है। है ना फैक्ट की बात कि सभी 129.3 यानी कि 1293 के आसपास ही घूम रहा है। और इससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डरने पर डोरेमोन 129.3 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, वह 129.3 cm भी कूद सकता है। डोरेमोन की पावर प्रोड्यूस क्षमता भी 129.3 हॉर्स पावर है। साथ ही डोरेमोन का जन्मदिन 3 सितंबर 2112 यानी कि 1293 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों डोरेमोन का मैजिक नंबर है 1293। यह लॉजिक किस किस को मालूम था, यह फैक्ट किस किस को मालूम था? अगर आप में से किसी को मालूम था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी चलिए बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, क्या आपको मालूम है डोरेमोन जापान का एनिमे राजदूत भी है, बोले तो एनाइम एम्बेसडर। दोस्तों, दुनिया भर में जापानी एनिमे कार्टून को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए डोरेमोन 2008 एनिमे एम्बेसडर घोषित किया गया था। वहीं 2013 में डोरेमोन को एक सर्वेक्षण के आधार पर जापानी बच्चों के बीच सबसे पॉपुलर कैरेक्टर पाया गया। वहीं दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, दोस्तों जापान की 2020 ओलंपिक में विशेष राजदूत के लिए बीट के माध्यम से डोरेमोन को चुना गया था।
तो ये सब जानकारियाँ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर डोरेमोन के फैंस हो तो एक लाइक तो वीडियो को बनता है, और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी इसमें जो आपको इससे पहले मालूम नहीं थी लेकिन वीडियो देख के पता चला, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।